बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत बहुत रेलेवेंट बात बोली है अभी एके ने। बहुत बढ़िया, यह सुन लीजिए, बहुत बढ़िया, यह सुन लीजिए। हिरासत और विरासत की राजनीति चल रही है यहाँ पे, हिरासत और विरासत की राजनीति चल रही है यहाँ पे। पॉलिटिक्स ही केवल एक ऐसी चीज है जो यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है, या तो भगवान यत्र तत्र सर्वत्र कणकण में विराजमान है, या राजनीति विराजमान है अपने देश में। पुलिस की मैं बताऊं, 300 लोगों को लेकर के वो यज्ञदत्त जो थे वो पहुंचे हैं, वो भी असलहा लेके। मैं गारंटी देता हूं, आप बड़े से बड़े आदमी हो, 300 लोग तो सर आप 10 दिन में, 6 महीने बारात की तैयारी चलती है, 300 लोग तो बारात में इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। ये पूरी प्लानिंग है 300 लोगों को असलहों के साथ इकट्ठा करना, खुलेआम खुले आम 30-32 ट्रैक्टर पे लेकर के जाना। इसका मतलब है कि उनके मन स्थिति में कहीं वो नहीं था कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो कड़कड़ में भगवान हो या ना हो, लेकिन राजनीतिज्ञों के लिए, नेताओं के लिए कड़कड़ में राजनीति, क्षण क्षण में राजनीति यहाँ पे बसी हुई है। वो कब कहाँ से उनका राजनीतिक अवतार प्रकट हो जाए, किसी नेता का कुछ बोला नहीं जा सकता है। पत्रकार देश के जाने माने पत्रकार एके मिश्रा हमारे साथ में, पत्रकार देश के जाने माने पत्रकार एके मिश्रा हमारे साथ में। खैर एके नहीं, जब वो ट्रामा सेंटर से निकली, एके सोनभद्र की सियासत में, सोनभद्र की सियासत में अभी जो अलग अलग विपक्षी पार्टियां हैं, सोनभद्र की सियासत में अलग अलग विपक्षी पार्टियां, उन्होंने कितने नंबर बटोरे हैं एके, प्रशासन को एके नंबर कितने बटोरे हैं? मैं आपको बताऊं, अगर पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए, ये घटना बड़ी दुखद घटना है। पहले तो मैं इसको जो है इसकी भर्त्सना करता हूं कि जमीनी विवाद था तो उसको शांतिपूर्वक तरीके से निपटा लेना चाहिए। बहुत दुखदायी घटना है। ऐसा है क्या, देखिए यहाँ पे अगर राजनीति के हिसाब से देखा जाए, आप ये देखिए पीछे भी खबरें आती रही हैं कि जमीन के चक्कर में कभी दो भाइयों ने लड़ाई किया, कोई मर गया, कभी ऐसी खबरें लगभग आती रहती है। यहाँ पे है क्या, देखिए प्रियंका गांधी जी पहले यूपी की उस एरिया की अध्यक्ष थी, अभी वो पूरे यूपी की बन गई है अध्यक्ष जो है, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा चीज था कि ये एक ऐसी घटना हुई, वहां जाके सांत्वना देना, उन रियल मामले में जो सांत्वना देना जिसको बोल सकते हैं, अगर कांग्रेस को करना था, पीड़ित परिवारों से आप मिले, उनको बहुत सारी आप मदद दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, जब आप इसको एक सनसनी बनाना चाहते हैं कि खबर चले सारे उस पर कि भाई देखो ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, बहुत सारे कानूनी पहलू हैं जो कि कांग्रेस जानती भी होगी, तो दोनों ही पार्टियों को अगर देखा जाए, हिरासत और विरासत की राजनीति मैंने इसीलिए बोला है, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, ये दीवानी का मामला था, कोर्ट और ये सारी चीजों से हो सकता था, उस समस्या की जड़ पे कोई नहीं जा रहा है। सवाल ये है कि यहाँ पे जब ऐसी चीजें होती हैं तभी राजनीति चमकाने की वो होती है। और विपक्षी पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो बसपा वसपा ये सब जितने भी हैं वो बिग सिफर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक किसी का कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया जो दंभ भरते हैं कि भाई वोट लेने के टाइम पे ये उनका वोट बैंक हो जाता है। किसी पार्टी ने बोल दिया कि भाई ये मेरा वोट बैंक है तो उसके लिए तलवारें खिंच जाती है, मंच से भाषण शुरू हो जाते हैं कि अरे ये धोखा दे रहे हैं, ये तो हमारा वोट बैंक है, ये उनके साथ कभी नहीं जाएंगे। आज इस दुख की घड़ी में इतनी विपक्षी पार्टियां हैं, क्यों नहीं इनके मतलब जिला स्तर के लोग भी पता नहीं गए, उन्होंने क्या किया, कोई खबर नहीं आ रही है। एक स्टेटमेंट सांत्वना का, एक दुख भरा स्टेटमेंट भी नहीं आया है। तो ठीक कह रहे हैं आप, जहां पर जातिवादी राजनीति होती है वहां पर जो पीड़ित गोंड हैं और जिन्होंने नरसंहार को अंजाम दिया, वहां पर आदिवासी गुर्जर समुदाय के लोग दोनों को ही अलग अलग तरीके से वोट बैंक के तौर पर देखा जाता होगा, और ये बात किसी एक पार्टी विशेष तक ही सीमित नहीं है। गौरव मिश्रा जी, एक 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 बात ये समझाइएगा, चलिए वापस पॉलिटिकल इश्यूज पर आते हैं। ठीक है, अनिश जी आ रहा हूं, वापस पॉलिटिकल इश्यू पर आते हैं। हमने देखा था कि कांग्रेस में राहुल गांधी ने भी अलग अलग आंदोलन किया, ऐसी बात नहीं है। यूपी में जब टप्पल कांड हुआ तब भी राहुल गांधी टप्पल में आए, या फिर अलग अलग जगह जब धरना प्रदर्शन करना था तब भी राहुल गांधी आए। लेकिन अब प्रियंका गांधी का सोनभद्र के रास्ते में अरेस्ट हो जाना, उसके बाद वीडियो ऑप्शन तलाशना, क्या यहां से वाकई कांग्रेस को संजीवनी मिल सकती है ऐसे ऐसी घटनाओं से, ऐसे वीडियो ऑप्शन से? देखिए राशिद, मैं कई बार बोल चुका हूं, ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं और इनके लिए हर चीज का ये माइलेज लेती हैं, इनका प्रथम वो होता है। देखिए ये एक शुरुआत है, अभी श्रीमती गांधी को, प्रियंका गांधी जी को एक दो दिन पहले ही पूरे यूपी का बनाया गया है। अब यूपी में एक बड़ी वारदात हो गई जो बड़ी निंदनीय है, जो बड़ी दुखद घटना है। अब है क्या, पॉलिटिक्स ही केवल एक ऐसी चीज है जो यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है, पॉलिटिक्स ही केवल एक ऐसी चीज है जो यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है। किसी की डेथ हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई अच्छी चीज हो जाए, कोई शादी किसी की हो रही है, कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, तो वहां पे भी पॉलिटिक्स अवेलेबल है।
या तो भगवान यत्र तत्र सर्वत्र कण कण में विराजमान है या राजनीति विराजमान है अपने देश में। तो ये वही चीज है, ये उनका एक लॉन्चिंग है, इस बहाने वो जो है एक तीर से कई निशाने यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है उस एरिया में। इसके पहले वो कभी गई भी नहीं थी, पिछले इलेक्शन में जो उनका कैंपेन वगैरह था वो बनारस और इलाहाबाद के इर्द गिर्द रह गया था, तो वो जो एरिया है इससे एक और है। देखिए इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, आदिवासी वगैरह हैं, उनके में भी पैड बनाने के लिए अगर राजनीतिक उससे देखा जाए तो ये भी एक अच्छा मौका था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता था जो मेरे सारे मित्र लोग मिस कर गए। देखिए ऐसी घटनाएं होती क्यों है, हर बार इतिहास उठा के देख लीजिए, दो भाइयों में लड़ाई होता है और एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। लॉ मतलब जो अपने यहाँ का लॉ है जमीन से रिलेटेड, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि एक दीवानी का मुकदमा फौजदारी में कैसे कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इतना कंफ्यूजन है ना, लैंड रिकॉर्ड किसी और के नाम पे है, उस पे जाके आप खाट बिछा के दो दिन आप सो लीजिए तो आपका वो कब्जा हो जाएगा, यानी बाउंड्री बना लीजिए। क्रिस्टल क्लियर तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसके रूल्स को, जितने भी अभी एग्जिस्टिंग रूल है, इतना क्रिस्टल क्लियर बनाइए कि किसी के दिमाग में डाउट ही ना हो कि ये जमीन कौन है, मालिकाना हक किसका है। जब डाउट होता है तभी दो ग्रुप भिड़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पुलिस की मैं बताऊं, 300 लोगों को लेकर के वो यज्ञदत्त जो थे वो पहुंचे हैं, वो भी असलहा लेके। मैं गारंटी देता हूं आप बड़े से बड़े आदमी हो, 300 लोग तो सर आप 10 दिन में, 6 महीने बारात की तैयारी चलती है, 300 लोग तो बारात में इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। ये पूरी प्लानिंग है 300 लोगों को असलहों के साथ इकट्ठा करना, खुले आम 30-32 ट्रैक्टर पे लेकर के जाना। इसका मतलब है कि उनके मना स्थिति में कहीं वो नहीं था कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा। अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर, जहां आज यूपी में योगी जी खुद बोलते हैं कि बहुत टाइट है, लाइसेंसी असलहा लेकर के लोग घूमने से डर रहे हैं, दिखाने से डर रहे हैं, और 32 ट्रैक्टर लेकर के असलहा लेकर के जाना वहां पे, तो ये इतना नहीं है। एमसी द्विवेदी जी के पास ये पॉइंट लेकर के जरूर जाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत बहुत रेलेवेंट बात बोली है अभी एके ने, बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत बहुत रेलेवेंट बात बोली है अभी एके ने। आज मुद्दा सबसे बड़ा अहम ये है कि संबल में दो पुलिस वाले मार दिए गए। नहीं नहीं, मैं अभी अभी सोनभद्र की बात कर रहा हूँ, संबल बोलेंगे रोक दूंगा मैं, संबल बोलेंगे मैं रोक दूंगा। आज मुद्दा ये है, यूपी की रहने आज वाली है, मुद्दा ये है राशिद भाई कि जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। बहुत बढ़िया, ये सुन लीजिए, जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आज तक सोनभद्र जिले और उस एरिया में गंगा जी के उस पार, यानी इलाहाबाद बनारस की जो रोड है उसके उस पार आज तक कभी कोई रैली नहीं हुई समाजवादी पार्टी और इनकी बीएसपी की। अरे मिश्रा जी अपने ज्ञान को बढ़ा लीजिए, अभी गोरखपुर में रैली की थी बहन जी ने, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। गोरखपुर अलग है, गोरखपुर अलग है, इसका मतलब ज्योग्राफी आप नहीं जानते, गोरखपुर अलग है। अरे चौधरी जी सबसे इसका मतलब आप, इसका मतलब आप जाइए। अरे धर्मी चौधरी जी सारी बात सुन लीजिए, आप धर्मी चौधरी होल्ड 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 गपशप आ रहा हूँ, गपशप आ रहा हूँ। ये मुद्दा है आज सबसे बड़ा। अरे धर्मी चौधरी जी, अरे धर्मी चौधरी जी एकदम ठीक, रुक जाइए, एकदम ठीक बात है। शान शान गदाधारी भीम, शान 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 शांत हो जाइए, शान। धर्मी चौधरी हो गया, धर्मी चौधरी जी हो गया, ओके ठीक है, आज ठीक है। पहली बात यह है, धर्मी चौधरी जी, धर्मी चौधरी जी, धर्मी जी, धर्मी चौधरी जी एक मिनट जाइए, धर्मी चौधरी जी एक चीज समझ जाइए, आप पूर्वांचल को आप समझिए, गोरखपुर अलग है, देवरिया साइड अलग है, अब एक्सट्रीम एक्सट्रीम पूर्वांचल अलग है। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मिर्जापुर सोनभद्र चुर्क चुनार ये सब अलग है। अब रुक जाइए गौरव जी, गौरव जी प्रियंका गांधी को सोनभद्र जाने देंगे या फिर नहीं, एक मिनट गौरव जी, प्रियंका गांधी सोनभद्र जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी, या यहीं से उन्हें वापस भेज दिया जाएगा? गौरव जी प्रियंका गांधी सोनभद्र जा सकेंगी या नहीं जा सकेंगी? इसका मतलब यह है कि अगर शिवपाल यादव जाएंगे, अखिलेश जाएंगे, या मुलायम सिंह यादव जाएंगे, या मायावती जाएंगी, तो हर किसी को आप यही कहेंगे कि लाशों पर राजनीति हो रही है। लाशों पर राजनीति होती है क्या? एक बिल्कुल, मैंने देखिए आपको पहले ही बोला, मैं इन शब्दों को बोलना नहीं चाहता। अनिश जी आ रहा हूँ, अनिश जी आ रहा हूँ आपके पास। भारत में और पॉलिटिकल पार्टियों के पास यत्र तत्र सर्वत्र राजनीति के मौके अवेलेबल है। ऐसा कोई एक घटना बता दीजिए अच्छी या बुरी जहां पे राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाती है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो। अरे आप ये देखिए,
पास्ट का लेके पास्ट के मुद्दों पे भी राजनीति से की जाती है, प्रेजेंट में भी और यहां तक कि फ्यूचर में भी, लोग कि ये नहीं होगा तो ये ऐसा करना चाहते हैं, वो वैसा करना चाहते हैं, ये सत्ता में आएंगे तो 5 साल में ये कर देंगे वो कर देंगे, तो यहां तो फ्यूचर जो चीज हुई नहीं है जिसको कोई जानता नहीं है उस पर भी राजनीति कर लेते हैं यहां पे। तो कड़कड़ में भगवान हो या ना हो, लेकिन राजनीतिज्ञों के लिए, नेताओं के लिए कड़कड़ में राजनीति, क्षण क्षण में राजनीति यहां पे बसी हुई है। वो कब कहां से उनका राजनीतिक अवतार प्रकट हो जाए, किसी नेता का कुछ बोला नहीं जा सकता है।